लागू करेंगे। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने यहाँ पर डिटेंशन कैंप बांधना शुरुआत की है, कुछ हो भी चुके हैं। महाराष्ट्र में करीब करीब 20-25 लाख लोग बंद कर सकते ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। तो ऐसे परिस्थिति में इन सरकार के खिलाफ लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए 26 दिसंबर को दादर टीटी में धरना कार्यक्रम वंचित बहुजन अघाड़ी और उनके सहयोगी और साथी जो है वो मिलके करेंगे। जो सहयोगी और साथी जो है उनके नाम एक दो दिन में जाहिर किए जाएंगे। और इसके साथ हम लोग ये लड़ाई शुरुआत हो चुकी है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, मैं गुमराह करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन उनका ये उद्देश्य भी है कि आदि सिटीजनशिप से अधिकार निकाले, ये उनका उद्देश्य है और वो NRC के माध्यम से हासिल कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ये है कि आर्थिक स्थिति इस देश की इतनी खराब हो चुकी है कि 16 लाख करोड़ इस देश को चलाने लगते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार के पास सिर्फ 6 लाख करोड़ जम चुके हैं देश चलाने के लिए। तो 10 लाख करोड़ का घाटा है। इस 10 लाख करोड़ को छुपाने के लिए ये सरकार दंगे की ओर देश को ले जा रही है।